हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं बहुत दिनों से वीडियोस नहीं बना पा रहा था बोर्ड के कारण। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि बोर्ड का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है लॉकडाउन के कारण, तो क्या क्या हुआ आप सब जान रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा कि अपना जो सीरीज़ था पिकअट का, उसका आगे बढ़ाते हैं अब। तो हम लोगों ने ऐसे भी इसके ऊपर 7 वीडियो बना लिया था, तो आप आई होप कि आप लोग देख लिए होंगे इस वीडियो को। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आइए पिकअट एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। कोई भी एक फ़ोटो चूज़ कर लेते हैं पहले, तो ये वाला फ़ोटो। हम लोगों ने यहाँ तक तो ख़त्म कर लिया था, ऐड फ़ोटो भी फिट भी कर लिया था, ब्रशेस कर लिया था, बॉर्डर कर लिया था, मास्क तक तो हमारा वीडियो बना हुआ था। अब ड्रॉ टूल पे एक बहुत बड़ा वीडियो बनाना पड़ेगा। ड्रॉ टूल पे कम से कम भी नहीं तो 40 मिनट का एक वीडियो बनता है, इसमें काफ़ी कुछ है बताने के लिए। तो मैं ड्रॉ टूल को भी छोड़कर आगे का जितना भी है उसका मैं बात करता हूँ। जैसे कि इसमें कॉल आउट है, फ्रेम है, शेप मास्क है, लेंस फ्लेयर है। जैसा कि आप भी जानते होंगे, फ्रेम तो नॉर्मली सब लोग जानते हैं, लेंस फ्लेयर भी बहुत लोग सुने ही होंगे। तो लेंस फ्लेयर के लिए तो डेटा ऑन करना पड़ेगा मुझे। पहले तो हम लोग स्क्रीन रोटेट कर लेते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं स्क्रीन रोटेट कर लेने से साइज जो होता है स्क्रीन का वो बड़ा मिलता है, उस पर अच्छा एडिट हो पाता है। तो स्क्रीन रोटेट करने के बाद आगे बात करते हैं इन सब पे। तो यहाँ पे एक कॉल आउट है। कॉल आउट का मतलब इसमें दिया रहता है कि आप जैसे कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कॉल आउट में दिया हुआ है यस, हेलो, या फिर जो भी व्हाट्सएप की तरह जो भी चैट्स अगर फ़ोटो में यूज़ करना हो, जैसे हेलो। तो ये हम ये देखें, इसका साइज छोटा करके हम यहाँ लगा सकते हैं, इसका कलर भी चेंज हो सकता है, फॉन्ट भी चेंज हो सकता है, जिस लैंग्वेज में लिखना हो, जिस टाइप में लिखना हो, सब हो सकता है। ऐसे इसमें और भी ऑप्शंस दिया हुआ है, आप चाहे तो इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस है, मे बी, बट वाई, ऑसम, ये सब अलग अलग वे है इसमें जो लैंग्वेजेस लिखा हुआ है, जैसे कि आ गया तो आप इसका मतलब तो समझ ही गए होंगे क्या है इसमें क्या नहीं है। बहुत लोग यूज़ करते हैं वो अपने फ़ोटोज़ में, जो जो फ़ोन पकड़ के जैसे क्लिक करवाते हैं। एक फ्रेम है, तो फ्रेम तो नॉर्मली सब जानते हैं, इसमें डेटा का यूज़ होगा। हम डेटा ऑन कर लेते हैं। तो इसमें फ्रेम है, तो फ्रेम देखें इतना सारा ये फ्रेम्स हैं, जो कि बॉर्डर कह सकते हैं एक तरह से, फ्रेम्स जो भी फ़ोटोज़ में लग सकता है। सब अलग अलग बहुत सारे इसमें दिया हुआ है, फ्रेम इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैं एक करके दिखा देता हूँ, जैसे कि ये वाला है, ये अपने हिसाब से फिट कर सकते हैं फोटो में। तो ये दो तो आप समझ गए। इसमें शेप मास्क है, इसमें अगर आपको अगर शेप के हिसाब से अगर मुझे साइड में वाइट या ब्लैक या फिर जो भी कलर करना हो तो हम कर सकते हैं। ये जो भी कलर करना चाहें वो कर सकते हैं, या फिर जो भी शेप में करना चाहें, डिज़ाइन में भी हो सकता है इसमें। ये ज़्यादातर बैनर ये सब में यूज़ होता है, जो बैनर या फिर रंगोली वगैरह वगैरह, दिवाली में रंगोली उंगोली बनता है तो इसमें यूज़ किया जाता है। तो आप भी इसको करके ट्राई कर सकते हैं, ये भी अच्छा। इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन दिए रहते हैं, स्क्रीन मोड है, ऐड मोड है, इसमें भी वो सब जो है ऐड फोटो वाला ऑप्शन इसमें भी मिलेगा। मैं बताया हूँ ऐड फोटो वाला जो जो ऑप्शन है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। लेंस फ्लेयर का बात करें तो लेंस फ्लेयर में बहुत अच्छा दिया हुआ है। अगर कोई ऐसा फ़ोटो हो दिन का जिसमें मुझे सनलाइट लाना हो, या फिर जो जो ब्लू लाइट हो, या फिर बाइक में जो लाइट वाला इफ़ेक्ट हो, वो सब इधर से आता है। आप अपने हिसाब से इसको बढ़ा घटा सकते हैं। और भी इसमें बहुत सारा ऑप्शंस रहेगा अलग अलग, ब्लू लाइट, रेड लाइट। ये वाला एक ट्राई करके दिखाता हूँ, अपने हिसाब से फ़ोटो में कहीं पे भी लगा सकते हैं, ये अच्छा भी लगता है।
फोटो कैसे क्वालिटी भी इंक्रीज होता है। आप इसको ट्राई करिए, बनाइए। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा ड्रॉ टूल के ऊपर, क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो होगा और वो लास्ट वीडियो होगा इस सीरीज़ का। तब मैं आगे लाइटरूम और फोटोशॉप पे बात करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और अच्छा लगे तो कमेंट भी करें। बाय दोस्तों।